संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के रिसर्च से निर्मित एवं राजीव गांधी विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र मुंबई द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक उत्पाद क्रैश कैप्सूल का अनावरण एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा ग्रुप द्वारा किया गया। इस समय मौजूद मान्यवरों ने एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा कंपनी का उद्घाटन किया। आयुर्वेदा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे डॉक्टर एस कुमार की अगुवाई में इस चमत्कारी कैप्सूल का विपणन किया जाने वाला है, जहां इस क्रैश कैप्सूल के प्राकृतिक औषधीय गुणों के साथ ही एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा की महत्वता से मार्केट में ग्राहकों की विश्वसनीयता और प्रोडक्ट की प्रभावीता को समन्वित कर किडनी स्टोन से परेशान लोगों का रामबाण इलाज किया जाएगा। ऐसा विश्वास एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा कंपनी के संस्थापक वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने जताया है। बघा, यशाची पायरी जी आहे ती कंटिन्युअसली कॉन्स्टंट ग्रोथ असते ही। आता आम्हाला मला स्वतःला म्हणजे 45 वर्ष झाले त्या फार्मास्युटिकल लाईनमध्ये, त्याच्यामुळे एक मोठ्या युनिव्हर्सिटीच्या एक परिक्रमामध्ये उपक्रममध्ये जुळणं हे भाग्याची गोष्ट आहे। आणि आज भारतामध्ये किडनी स्टोन हा इतका जास्त प्रॉब्लेम आहे की लोकांना सर्जरीशिवाय पर्याय नाही। पण याचा आम्ही म्हणजे म्हणणं आहे की टेक अ लास्ट चान्स बिफोर सर्जरी। सर्जरी जर याच्यामध्ये आम्ही जे प्रयोग केलेले आहेत किंवा यांनी जे प्रयोग केले आहेत ते 90 दिवसामध्ये कितीही मोठा खळा असला तरी फक्त कॅप्सूल घेतला तर तो विरघळून बाहेर निघतो, म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही ऑपरेशनची गरज नाही। आज कितीतरी लोकं आहेत स्पेशली जे नॉनव्हेज खातात किंवा ॲसिडिक फूड खातात, यामध्ये हल्ला आजार खूप जास्त आहे, किंवा जिथे फ्लोराईड असतं तिथे खूप जास्त आहे। त्यामुळे ह्या प्रॉडक्ट जो आहे ह्याचा नक्कीच भारताच्या लोकांना, भारतातच नाही पण पूर्ण विश्वमध्ये, म्हणजे इंडियाचं बाहेरही एक्सपोर्ट करण्याची आमची तयारी चालू आहे, याची तर पूर्ण एक इतिहास निर्माण होतो आहे आमचा याचा। दरअसल संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के बायोटेक विभाग द्वारा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एवं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनिता पाटिल इनके द्वारा कुलपति मिलिंद बाराहाते के मार्गदर्शन में एक चमत्कारी कैप्सूल का इलाज किया गया है, जिसके द्वारा किडनी स्टोन जैसे जिद्दी बीमारी को बिना सर्जरी के मूल से खत्म करने का रामबाण उपाय खोजा गया है, जिसे राजीव गांधी विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र मुंबई द्वारा मान्यता दी गई और जिसके विपणन के लिए एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा ग्रुप ने हाथ बढ़ाया है, जिसके चलते एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा कंपनी का उद्घाटन एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा कंपनी के संस्थापक वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार, अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति मिलिंद बाराहाते, डॉक्टर अनिता पाटिल, एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा की डायरेक्टर भाग्यश्री सावरकर आदि के विशेष उपस्थिति में किया गया, जहां मौजूद मान्यवरों ने एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा कंपनी का उद्घाटन किया, साथ ही साथ सभी ने क्रैश कैप्सूल का मंचीय अनावरण किया गया। गौरतलब है कि किडनी स्टोन जैसे जिद्दी बीमारी को मूल से खत्म करना काफी मुश्किल है, कई बार गंभीरता के मद्देनजर सर्जरी तक की नौबत आती है, जिसके चलते सर्जरी के पहले आखिरी अवसर के रूप में इस कैप्सूल की प्रभाविता को देखा जा रहा है, जो वाकई में प्रभावी रूप से रोगियों का इलाज करेगी। ऐसा विश्वास अमरावती विश्वविद्यालय की कुलपति मिलिंद बाराहाते ने जताया है। तो वही इस इजाद के विषय में जानकारी दी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एवं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनिता पाटिल ने। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आणि एप्रोप्रिएट ग्रुप आणि राजीव गांधी सेंटर फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी सेंटर मुंबई, या तिघांच्याही संयुक्त विद्यमाने आज या प्रोडक्टचे लॉन्च झालेले आहे। मला अतिशय आनंद आहे की आमच्या बायोटेक्नॉलॉजी विभागाच्या प्रोफेसर डॉक्टर अनिता पाटील यांच्या अथक प्रयत्नाने आणि अतिशय मेहनतीने त्यांनी हे प्रोडक्ट तयार करून त्याला राजीव गांधी सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी सेंटर जे मुंबईचं आहे त्याची त्यांना ग्रँड प्राप्त झाली। आणि कोणत्याही पेटंटचं किंवा प्रॉडक्टचं जे एक लॉजिकल एंड असतं, म्हणजे त्याचं कमर्शियलायझेशन, ते करण्यामध्ये आम्हाला ॲप्रोप्रिएट ग्रुपनी मदत केली आणि आज त्याचं कमर्शियली आज त्या प्रॉडक्टचा लॉन्च झालेला आहे, याचा मला अतिशय आनंद आहे। आणि कुलगुरू म्हणून मला आमच्या ज्या प्रोफेसर डॉक्टर अनिता पाटील मॅडम आहेत त्यांचाही अभिमान वाटतो, या प्रसंगी मी त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि ॲप्रोप्रिएट ग्रुपचे डॉक्टर एस कुमार यांचेही मी या प्रसंगी आभार मानतो आणि यापुढेही असेच चांगलं उपक्रम आपण निश्चितपणे राबवत राहू असे मी सर्वांना या प्रसंगी आश्वासन देऊ इच्छितो। धन्यवाद। आपल्या भारतामध्ये आयुर्वेदिक चं नॉलेज ट्रेडिशनल पहिलेपासून आहे, परंतु आपण त्याला व्हॅलिडेट नाही करू शकलो किंवा खूप कमी प्रमाणात व्हॅलिडिएशन झालं आहे, सायंटिफिक व्हॅलिडिएशन, म्हणजे ते काम कसं करतं
हे सगळे लोकांना माहीत असलं तर आपण आयुर्वेदाकडे वळतो आणि माझा विषय बायोटेक्नॉलॉजी असल्यामुळे मी त्या प्रकारामध्ये गेले आणि सगळं डिटेल स्टडी केलं सेल लाईन्सवर, ॲनिमल स्टडीजवर, इनोव्हेटिव्ह काही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केल्या आणि त्यांनी आपण माहीत करू शकतो की झाडांमध्ये ड्रग म्हणजे असतो आणि तो स्टोन तोडतो आणि किती प्रमाणात तोडतो हे आपण या टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट केल्या आणि रिझल्ट्स खूप चांगल्या ठिकाणी पब्लिश झाले, पेटंट झाले आणि मग तो आम्ही ॲप्रोप्रिएट डाईटला आपण फॉरवर्ड केला तो रिसर्च आणि त्यांनी मग तो कमर्शलाइज केला. जवळपास 10 वर्षापासून काम करते आहे सर या विषयामध्ये आणि याच्यामध्ये फंडिंग जे दिलं आहे ते राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. तर त्यामध्ये आमचे चेअरमन जे आहे डॉक्टर अलीन काकोडकर सर, आमचे मेंबर सेक्रेटरी, आमचे ॲडवायझर, या सगळ्यांचा खूप मोठा हात आहे. एक खूप ऑप्टिमिस्टिक बाई आहे, मी कधीही सोडत नाही आणि मी हाडाची टीचर आहे त्यामुळे टीचर कधीच आपले प्रयत्न सोडत नसतो. इस समय क्रैश कैप्सूल के इस महत्वपूर्ण इजाद के विषय में एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा की डायरेक्टर भाग्यश्री सावरकर ने खुशी जाहिर की और इस कैप्सूल के विशेषता के विषय में जानकारी दी. जैसे डॉक्टर एस कुमार ने आपको बताया है जो प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है क्रश एप्रोप्रिएट क्रश कैप्सूल, इसका नाम ही हम लोगों ने एप्रोप्रिएट दिया है ताकि जो स्टोन है वो भी एप्रोप्रिएटली वहाँ से ब्रेक डाउन होकर निकल जाए. काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे हम लोगों ने, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक, सब लोग सुई से भी डरते हैं तो सर्जरी तो दूर की बात है. तो हम लोगों ने भी सोचा कि कोई ना ऐसा कुछ सोल्यूशन मिले, ऐसा कुछ चीज़ हमको इनोवेटिव मिले जो लोगों तक ये पहुँचे. उसी दौरान डॉक्टर अनिता पाटिल जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने अपने रिसर्च के बारे में हमें बताया तो जो हम लोग सोच रहे थे और उनका सोचना एक ही निकला. तो हमने बोला क्यों ना उसी प्रोडक्ट को, इतनी पूरी तरह से उन्होंने अपनी जान डाल दी, इतना रिसर्च किया था, उसी को हम लोग एक कमर्शलाइज करें और सारे लोगों तक वो पहुँचाए. ये पूरा OTC हम लोग प्रोडक्ट उसको लॉन्च करेंगे ताकि भारत के हर कोने कोने तक ये प्रोडक्ट जाए और सारे पेशेंट जो डर रहे हैं, जो नहीं भी डर रहे हैं, वो इसका लाभ उठा सकें. ये मैम का तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 ईयर्स के ऊपर उनका रिसर्च रहा है, पर उनका पूरा जो स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक जो उनका पूरा हार्डवर्क है, जब हमें उसके बारे में पता चला तो हर किसी चीज़ के जो हार्डवर्क वो लोग डालते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे आना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. नॉर्मली रिसर्चर्स होते हैं और वो बस पब्लिश होते हैं, पर हम लोगों ने चाहे उसी पब्लिशन को हम उसको कमर्शलाइज करें और लोगों तक वो पहुँचाए. जो रिसर्च उनकी जो मेहनत है वो सिर्फ बुक्स में ना रहे, वो सिर्फ कहीं वेबसाइट में ना रहे, वो लोगों तक भी पहुँचे और लोगों का उसका लाभ. ये पूरे आयुर्वेदिक ड्रग्स होते हैं जो हम लोगों ने अमरावती यूनिवर्सिटी से इसको पेटेंट लिया है. उसमें 4 प्रकार के ड्रग्स हैं, वो हम लोग पूरी आयुर्वेदा के इसमें आते हैं वो, और उसी का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं साथ ही में कुछ. कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ मनीष टेम्बरे की रिपोर्ट.